बहुत खूबसूरत बनाई है और मुझे देख के ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है। ये है टिपिकल चूल्हा जिसपे अभी फिश फ्राई होने वाला है, और फिश फ्राई में है हमारे साथ अभी सुरमई। ये देखिए सुरमई फ्राई चल झाले यार। नहीं अजून किती फिश बाकी है। ये पांडव काठी जो नाम है वो नाम कैसा है? ये जो है नाम मैं बताता हूँ कैसे इन लोगों ने इस खूबसूरत घर का नाम रखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फूडी मित्र चैनल। वेलकम ड्रिंक हमेशा हमें अलग सा मिलता है। आज हमें पांडव काठी होम स्टे में वेलकम ड्रिंक जो है वो आंवला शरबत मिला है। शरबत मिला है टेंटिंग अवार्ड। सो जो शुरुआत है हम लोग करते हैं आंवला शरबत से। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम पहुंच चुके हैं पांडव काठी होम स्टे में और हमारा हो चुका है लंच टाइम। कोंकणी स्टाइल हमें फूड सर्व किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हो ये दाल है, ये कोकोनट चटनी और स्वीट गाजर का हलवा, ये वाल और जो ब्रिंजाल उनकी मिक्स सब्जी है, कैबेज की सब्जी, राइस, चपाती एंड ग्रीन सलाड। राइट, अभी मुझसे भी देखना नहीं हो रहा है, ये है होममेड कुक प्रॉपर कोंकणी स्टाइल। तो मैं अभी फटाक से वीडियो बंद करता हूँ और आता हूँ हम लोग खाने पे। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड होममेड फूड जो कि हमेशा आपको पता है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जैसे कि प्रीति ने बताया टिपिकल कोंकणी स्टाइल फूड। राइट, फैमिली यहाँ पे फैमिली परा भैया की फैमिली भी रहती है, तो आपको प्रॉपर घर यानी आपको घर वाला फीलिंग आएगा। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा है और खाना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच ख़त्म करते हैं एंड यहाँ का मैं आपको साइट सीन दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारे अराउंड आपको ट्रीज दिखेंगे और आप फैमिली के साथ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। अगर आते हो वाया पुणे या मुंबई तो ये जो प्लेस है ये चिपळूण से हार्डली 35 किलोमीटर है और गुहागार जो है वो है 20 किलोमीटर से। सो आप सोच रहे हो यहाँ से नियर बाय कौन कौन से प्लेसेस है, यहाँ पे बीचेस भी बहुत है, गुहागार बीच है, उसके बाद क्रोकोडाइल सफारी है यहाँ पे, यहाँ पे हाउस बोट है जहाँ पे हम लोग जाके आए। सो यहाँ पे बहुत सारे नियर बाय प्लेसेस है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मुझे बताना था, ये बहुत से लोग यानी हमने भी सोचा था ये पांडव काठी जो नाम है वो नाम कैसा है। Correct. ये जो है नाम मैं बताता हूँ कैसे इन लोगों ने इस खूबसूरत घर का नाम रखा है वो हम लोग डायरेक्टली वहां पे जाके दिखाएंगे कि ये नाम कैसा रखा है। बाय।
शेयर करने जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल होम स्टे की, पांडव घाटी होम स्टे की रूम्स में। तो टोटल 2 रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये है रूम नंबर 1। जैसे ही आप इतने सुंदर रूम में एंटर करते हो, अब एंटर करने के बाद देखते हैं एक बड़ा सा ह्यूज बेड, और आप उसका स्ट्रक्चर देखिए कितना खूबसूरत है। और इस रूम के अपोजिट में, ये तो मेरा भी फेवरेट प्लेस है ये कोजी नहीं कह सकते, लेकिन एक ह्यूज बालकनी दी गई है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपके आराम के लिए ये रेस्ट चेयर, रेस्ट आर्म चेयर या आराम कुर्सी जो हम मराठी में कहते हैं, वो दी गई है। और आई थिंक ये कैरम है, और आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लिए बहुत स्पेशियस स्पेस प्रोवाइड की गई है। तो गाइज, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये हम कौन से लोकेशन पे आए हैं। इसे कहते हैं पांडव की काठी, और ये मोस्टली या मोस्ट प्रोबेबली 400 या 500 साल पुरानी है। जब पांडव एक गांव से निकल के दूसरे गांव में निकल के वो अपनी निशानी वहां पे रखते थे, तो ये वही है, ये पांडव ने बनाई हुई काठी है एज अ सिंबल। तो इसी पांडव की काठी के ऊपर जिस होम स्टे पे हम लोग रुके हैं, उन लोगों ने, उन ओनर ने इसी के नाम पे ऊपर अपने होम स्टे का नाम रखा है। ये है टिपिकल चूल्हा जिसपे अभी फिश फ्राई होने वाला है, और फिश फ्राई में है हमारे साथ अभी सुरमई। ये देखिए सुरमई फ्राई, टिपिकल ट्रेडिशनल सुरमई तवा फ्राई, ये देखिए। गर्मा गर्म सुरमई, ओ माय गॉड, वो भी चूल्हे पर बनी हुई। और देखिए उन्होंने कैसे रखी है, ये मिट्टी का बर्तन है, उसके ऊपर, उसके अंदर बनाना लीव्स एंड देन उसके ऊपर फ्राई की हुई सुरमई, बहुत खूबसूरत बनाई है, और मुझे देख के ही बहुत टेम्प्टिंग लग रही है। गाइस, डिनर सर्व हो चुका है, और डिनर में है सुरमई फ्राई, सुरमई का ही ग्रेवी, नाचनी की भाकर, नाचनी की रोटी इन शॉर्ट, राइस, सलाद और पापड़। हम अभी स्टार्ट करते हैं डिनर।
गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द फूडी मित्रों चैनल। फ्रेश मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं हम ब्लैक कॉफ़ी एट पांडव काठी होम स्टे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो देखिए। तो अभी टाइम हुआ है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाने का और इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को लास्ट बाय बाय करने का। यस, सो पांडव काठी होम स्टे का जो एक्सपीरियंस था, इट वाज इनक्रेडिबल। राइट, जो कि हमने यानी कल से अभी तक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। एंड खाना, जैसे कि आपने देखा रहेगा चूल्हे पे खाना, मैंने जैसे बताया था, अगर आपको कुछ प्रायर रिक्वेस्ट करना है फूड के रिलेटेड, वेज हो या नॉन वेज हो, आप प्रायर उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। दो तीन दिन पहले उनको बताइए, बिकॉज यहाँ से मार्केट ज़रा दूर है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए फूड अरेंज किया जाएगा। एंड ऑथेंटिकेट अगर ट्रेडिशनल फूड चाहिए वो भी अरेंज किया जाएगा। राइट, सो अलविदा कहते हैं पांडव काठी होम स्टे एंड थैंक यू सो मच पराग दादा, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। ही इज़ वेरी नाइस, सब आप सर्विस में भी बहुत अच्छा है एंड जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी मेंटेन की है। सो अगेन हम लोग विजिट करेंगे, ज़्यादा समय यहाँ पे गुजारेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तब तक बाय बाय, टेक केयर।